रिसेंटली ऑल एलिट रेसलिंग के शो के अंदर रिक फ्लेयर का डेब्यू हो चुका है AEW के अंदर, वो भी परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ। स्टिंग का अगले साल होने वाला है रिटायरमेंट मैच और उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। स्टिंग के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोमोस कट किए ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर रिक फ्लेयर ने, उनके गले भी मिल गए यानी कि उनको हक भी किया। उसके बाद डार्बी एलन भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। अब रिक फ्लेयर बन चुके हैं हमारे ऑल एलिट रेसलिंग के बहुत बड़े लेजेंड। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जुड़ी है मेन इवेंट जय उसो से। जय उसो तो करंटली मंडे नाइट रॉ के साथ जुड़े हैं, लेकिन उनके झगड़े ब्लडलाइन के साथ स्मैकडाउन के अंदर होते रहते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है रोमन रेंस। हमने रिसेंटली देखा कि मंडे नाइट रॉ के अंदर जिमी उसो ने अटैक करके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप गवा दी जे उसो और कोडी रोज के हाथों। उसके बाद नेक्स्ट मैकडाउन के अंदर जे उसो ने अटैक कर दिया जिमी उसो के ऊपर, जॉन सीना को उन्होंने सेव कर दिया और हमको यही पता लगता है कि इनका मैच बहुत बड़ा होने वाला है रेसलमेनिया के लेवल के जैसा। तो रिसेंट के रिपोर्ट के अनुसार WWE वाले अपना एक नया प्रीमियम लाइव इवेंट लॉन्च करने वाले हैं जर्मनी के अंदर, जिसका नाम होने वाला है ब्रैश इन द बर्नर। उसके अंदर गुंथर आपको मेन इवेंट करते हुए दिखाई दे सकता है। बहुत बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है और उस दौरान गुंथर को काफ़ी ज़्यादा पुश, मेजर पुश मिलने वाला है WWE वालों की तरफ से। रोमन रेंस, सेट फ्रीकिंग रॉलिंस भी वहाँ पे होने वाले हैं परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो WWE का नेक्स्ट पेपर होने वाला है क्राउन जूल, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े मैच बुक किए हैं WWE वालों ने, लेकिन एक मैच मिसिंग है जो कि है जॉन सीना और सोलो सिकवा का। और नेक्स्ट स्मैकडाउन के अंदर ये मैच आपको कंफर्म होता हुआ दिखाई देने वाला है। ये मैच बहुत बड़ी डील है जॉन सीना के लिए और सोलो सिकवा के लिए, तो बहुत बड़ा मैच होने वाला है। लेकिन देखना ये ज़रूरी है कि इस मैच के अंदर सोलो सिकवा जीतते हैं या फिर जॉन सीना, वो तो हमें क्राउन जूल 2023 के अंदर पता लग ही जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी है रोमन रेस के फ्यूचर मैच के तरफ। तो रोमन रेस का मैच किस किस सुपरस्टारों के साथ होने वाला है फ्यूचर के अंदर? तो पहला मैच हो सकता है सोलो सिकवा वर्सेस रोमन रेस का। ये मैच तो होना तय है क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन बहुत दिनों से चल रही है और मुझे इवेंचुअली जाके लगता है कि WWE इनका मैच करवा सकती है रेसलमेनिया के बाद या फिर रेसलमेनिया के पहले। दूसरा मैच हो सकता है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल वर्सेस रोमन रेस का मैच। ये मैच तो क्राउन जूल के अंदर होना ही था, लेकिन किसी तरीके LA Knight को इस मैच में घुसा दिया और ये मैच आपको फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली WWE के अंदर देखने को मिलने वाला है। और तीसरा मैच होने वाला है जो कि नेक्स्ट एंड फाइनल होने वाला है, वो हो सकता है शेमस वर्सेस रोमन रेंस का मैच, वो भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और ये तीन मैच पेंडिंग पड़े हैं रोमन रेंस के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।